जो आपको ये शीट दी है, शीट की स्टार्टिंग में ना आपको सारे फॉर्मूला मेंशन करके दें जो आपको हाईलाइट किए हुए थे। पहला फॉर्मूला, सेंट्रीपेटल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करती है। इस फॉर्मूले के अंदर उसने जेड भी यूज़ किया है क्योंकि वो ये मान रहा है कि जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन लाइक भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ही हो जाएगा ई की बजाय, हाइड्रोजन होगा तो जेड वन हो जाएगा। तो एल का फॉर्मूला हमने कर लिया, एनर्जी डिफरेंस एच न्यू हमने कर लिया, रेडियस का फॉर्मूला हमने किया, पर हम ये याद नहीं करेंगे, हम रेडियस में ये यूज़ करेंगे या रेडियस में ये यूज़ करेंगे। मैंने सिखाया था ये फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे सी बाई एन वाला, इसको फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बोलते हैं 1/137 को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, पोटेंशियल का ड्राइव किया था, टोटल का ड्राइव किया था, ये हमने ऑलरेडी शीट में कर लिया। तो रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट मैंने बताया इंटू एच इंटू सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी। टोटल एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक है, और वहाँ से पोटेंशियल का टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है 1/λ का तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, कुछ भी याद करना नहीं है इसमें। और वेव नंबर आपको पता है, 1/λ आपको पता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये बता दिया। सीरीज लिमिट ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एन अगर क्वांटम नंबर है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन का फॉर्मूला बता दिया, एन इंटू एन माइनस 1/2। बोहर थ्योरी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक में रेडियस में जेड डिनोमिनेटर में आ जाता है, वेलोसिटी में भी न्यूमिनेटर में आ जाता है, एनर्जी में जेड स्क्वेयर हो जाता है, 1/λ में जेड स्क्वेयर हो जाता है। ये सारा हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एन एच बाई 2 पाई, एन की जगह क्या पुट कर देंगे 3, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पुट किया, एन की जगह 3 पुट किया, सॉल्व करके आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन बेसिक है, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का मतलब जेड की वैल्यू 2 है, हीलियम में जेड की वैल्यू 2 है। तो आप ये फॉर्मूला बुक्स में यूज है, मैं नहीं यूज करूंगा, मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, 1/137 सी बाई एन को जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जेड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है और एन यहाँ पर शेल नंबर 3 है, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आप करके देख लेना चाहे। तो क्यों बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटा यूज करेंगे, ठीक है यहाँ तक। जैसे टाइम पीरियड निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, टाइम पीरियड निकालना है घूमने का, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और रेडियस गिवन है, रेडियस एंगस्ट्रॉम में गिवन है, इसको 10^-10 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। आपको टाइम पीरियड निकालना है, आप ये फॉर्मूला यूज करें 2 पाई आर बाई वी। अब वी का शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको करवाया 1/137 वाला, तो वी वहां से आ जाएगा, आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। और फर्स्ट शेल पे है तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। मेथड समझ रहे हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, सिर्फ सिखा रहा हूं कि क्या इसमें टेक्निक यूज करनी है, ठीक। जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या होती है, -13.6/1² हाइड्रोजन में, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एन इज इक्वल टू 3। तो एन इज इक्वल टू 3 में एनर्जी क्या होगी, -13.6/3². ये फाइनल एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी, ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दें, माइनस आंसर। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर आप इलेक्ट्रॉन को 1 और 3 में शिफ्ट करना चाहते हो। क्या स्टेप क्लियर है, नेक्स्ट है, 10 kg सेटेलाइट सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर इन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ गिवन। तो आपको एक सेटेलाइट का टाइम पीरियड गिवन है, सेटेलाइट का मास गिवन है, सेटेलाइट का रेडियस गिवन है। वो कह रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन पे बोहर थ्योरी लगाई ना, सेटेलाइट पे भी सेम थ्योरी लगा दो। सोचो सेटेलाइट इलेक्ट्रॉन है, अर्थ न्यूक्लियस है, और सेटेलाइट न्यूक्लियस के आसपास घूम रही है, तो बोलो उसका शेल नंबर क्या होगा, एन की वैल्यू बताओ। तो अगर हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है बोहर का, MVR इज NH/2π, वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे 2π r/ टाइम पीरियड। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एन निकलेगा, 4 पता है, पाई पता है, आर पता है, मास पता है, टाइम पीरियड पता है, 2 आवर्स, 2 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पता है, तो वो आंसर आएगा। तो मतलब सेटेलाइट को इलेक्ट्रॉन की तरह कंपेयर करके
बोअर थ्योरी लगा के एन की वैल्यू निकलवा दी। जैसे ये क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर्स रेडियस इज गिवन बाय, आर पता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, एन की जगह वन, एन इज इक्वल टू वन के कॉरस्पॉन्डिंगली आर वन पता है, कह रहे अब एन बताओ जब रेडियस इतना हो जाए, रेडियस और एन का रिलेशन बताया था प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो आर एन टू बाई एन वन स्क्वायर इज आर टू बाई आर वन, आर टू पता है, आर वन पता है, एन वन की जगह वन पता है, सॉल्व करके एन टू आ जाएगा, एक आंसर आ गया, ठीक। केमिस्ट्री में किया होगा आपने ऐसे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट है कि टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट, तो एन की वैल्यू टू आ गई, टोटल एनर्जी इस केस में क्या होगी, -13.6/2² आंसर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो मुझे पता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 है जब एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो -13.6/3² है, 4 पुट करते हैं तो -13.6/4² है, तो ऐसे अलग अलग शेल में आ जाएंगे। पहला पार्ट पूछा है काइनेटिक एनर्जी, टोटल नहीं, काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये होता है, तो ये एनर्जी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की टोटल। अब हमने फॉर्मूला किया था काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ टोटल, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे तो काइनेटिक आ गई, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अब जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है वो ये स्टेट है, ये रही 4 वाली, पर हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो ट्वाइस दी टोटल है, तो यहां पर ट्वाइस कर देंगे आंसर। नेक्स्ट है If electron jumps from ground state to ground state from third excited state का मतलब n is equal to 4 से n is equal to 1 पे jump करता है, third excited state क्या होता है, n is equal to 4 से 1 पे jump करता है, wavelength निकाल लो, तो हमने किया हुआ है third excited ground state ये रही, third excited state में energy n is equal to 4 में ये रही, energy का difference ये रहा, ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एन इक्वल टू 1 और 4 में, ऐसी करते हैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, एनर्जी आ गई, एनर्जी क्या होती है hc/λ, तो यहां से लैमडा कैन बी कैलकुलेटेड, वैसे फॉर्मूला 1/λ का भी यूज कर सकते हैं, 1/λ इज आर इंटू 1/N1² - 1/N2² वो भी कर सकते हैं, पर आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो। तो आपकी ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 से 2 होती है, सेकेंड 1 से 3 होती है, थर्ड 1 से 4 होती है, 4 to 1 जा रहा है, E4 - E1 ना, आप खुद बोल रहे हो 1 से 4 पे जा रहा है, 1 से 4 पे जा रहा है ना, या 4 से 1 पे जा रहा है, ओके अच्छा चेक, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब एनर्जी बोलो क्या है, एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट की E1 = -13.6/1, ठीक है, टू ग्राउंड स्टेट का मतलब ये फाइनल है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये इनिशियल है, -13.6/4² का स्क्वायर,
तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे, अच्छा आप कह रहे हो कि उल्टा माइनस किया हुआ है, अच्छा वो इसलिए किया है वेवलेंथ नेगेटिव तो आती नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम क्या करते हैं इनिशियल में से फाइनल माइनस करते हैं, क्योंकि इनिशियल एनर्जी बड़ी होती है और फाइनल छोटी होती है, मतलब वो फॉर्मूला लगाते नहीं फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे गिर रहे हैं तो e 4 माइनस e 1 ही लगाएंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाई लैम्डा करेंगे, लैम्डा नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होता। तो इसमें फिगर शोज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ट्रांजिशन दिखा रहा है 4 से 3, 4 से 3 से 2, 2 से 1, 4 से 1 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है फाइंड आउट ट्रांजिशन विच रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496। तो क्वेश्चन है कौन सी ट्रांजिशन में वेवलेंथ कितनी है 496 है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको ना, n इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे एनर्जीज निकालनी पड़ेगी टोटल। तो n इज इक्वल टू 1 पे माइनस 13.6 बाय 1 स्क्वायर, 2 पे माइनस 13.6 बाय 2 स्क्वायर, माइनस 13.6 बाय 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, e1 e2 e3 e4 आ गया। अब हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल कैसे, आप ये चाहते हैं कि आपकी वेवलेंथ जब ट्रांजिशन हो कितनी आई 496 नैनोमीटर आए। एक काम करें 496 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालने कितनी है, एच सी बाई लैमडा में वैल्यू पुट करें इतना आंसर आएगा, है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, तो इस लैमडा के कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी कितनी आई 2.5 आई। अब आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी चाहिए 2.5, क्योंकि उसने कहा कि इतनी वेवलेंथ निकली, इतनी वेवलेंथ निकली तो इतनी एनर्जी निकली, इतनी एनर्जी कब निकलेगी जब इसमें से इसे माइनस करूं, या इसमें से इसे माइनस करूं, या इसमें से इसे माइनस करूं, या इसमें से इसे माइनस करूं, कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, हिट एंड ट्रायल है। तो इसके अंदर यह देखा गया कि अगर E4 की एनर्जी में से E2 को माइनस करें तो अप्रोक्सीमेट आंसर 2.5 के आसपास आ रहा है, यानी कि आपकी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 से कहां पर हो रही है 2 पे हो रही है, 4 से 2 पे गिर रहा है, हिट एंड ट्रायल है, कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो फिक्स आंसर नहीं आएगा, आपको करके देखना पड़ेगा माइनस। और इसका सेकेंड पार्ट है विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम का मतलब एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम, एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम का मतलब 4 से 3 पे, क्योंकि नीचे के शेल में एनर्जी का डिफरेंस बड़ा हो जाता है, ऊपर के शेल में छोटा होता है। तो 4 से 3 में एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा मैक्स, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या आएगा मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या आएगी मैक्सिमम, ठीक है। यहां तक केमिस्ट्री ओवरलैपिंग सिलेबस मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन तुमने कंटिन्यू करना ही है। आपने घर से क्या ट्राई करना है, आपने घर से एक अनसॉल्व शीट है इसके नीचे, ये भी ट्राई कर सकते हैं, जो ऐसी बात नहीं है, ये शीट है, शीट नंबर 93 इसके नीचे अटैच्ड है, ये आपने सारी ट्राई करके आनी है अपनी कॉपी में जो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है।